और अब खबरें विस्तार से। तीसरा से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल को विधानसभा से निलंबित करने का मामला लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बाड़मेर में युवाओं ने निलंबन रद्द करने की बात करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला फूंका। तीसरा से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल के विधानसभा से निलंबन को लेकर आक्रोशित युवाओं ने बेनीवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर सीएम का पुतला फूंका। शुक्रवार को बायतू मुख्यालय पर युवाओं ने विधायक हनुमान बेनीवाल का निलंबन रद्द करने की मांग की। युवाओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और प्रदर्शन किया। युवाओं ने चेताया कि यदि समय रहते निलंबन रद्द नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, क्योंकि खींसर के निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल को इस सरकार के सामंतशाही सोच और सरकार के एक बेढंग रवैये से माननीय विधायक साहब को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। निलंबित इसलिए किया क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल ही राजस्थान के एकमात्र ऐसे विधायक है जो हमेशा बेरोजगार युवाओं, किसानों और दलितों के हितों के लिए विधानसभा में संघर्ष करते रहते हैं। अगर समय रहते वसुंधरा सरकार ने हनुमान जी बेनीवाल को वापस निलंबन रद्द नहीं किया तो राजस्थान के युवा सड़कों पर उतरेगा और जरूरत पड़ी तो रेल की पटरियां भी उखाड़ेंगे। युवाओं ने गोगाजी मंदिर से रैली निकाली जो मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। युवाओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि बेनीवाल को निलंबित करना प्रदेश के किसान वर्ग का अपमान करना है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार बेनीवाल का निलंबन वापस ले, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। बाड़मेर से रमेश गोदारा की रिपोर्ट।